الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dear students, assalamu alaikum. We are going to study biology class 9th. It is chapter 1. The name of the chapter is Introduction to Biology. This lesson is an overview of the chapter 1. And I am Dr. Muhammad Nasir Kiani. Overview of the chapter. We are going to overview the chapter. हम chapter का overview करने जा रहे हैं. हम देखना जा रहे हैं कि इस chapter में, इस unit में ज़्यादातर जो अहम और बुनियादी जो उन्वनात हैं वो कौन से हैं. तो सबसे पहला topic है इसमें introduction to biology. Biology से तारफ. Introduction to बायोलॉजी, बायोलॉजी से तारफ. सेकंड है डिवीजन्स एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी की डिवीजन्स कौन सी हैं और बायोलॉजी की ब्रांचेज कौन कौन सी हैं. थर्ड टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, यानी बायोलॉजी का दूसरे साइंसी मजामीन के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैट, उनके साथ इसका, बायोलॉजी का क्या ताल्लुक है. फिर कैरियर इन बायोलॉजी, बायोलॉजी पढ़ने के बाद कौन कौन से कैरियर्स, कौन कौन से पेशे जो हैं उनको अपनाया जा सकता है, उसके बारे में मुफस्सल बात की गई है. फिर कुरान इन बायोलॉजी, कुरान पाक के अंदर बायोलॉजी के हवाले से बहुत सी आयात हैं. कुरान पाक में जानदारों के बारे में, उनकी तख्लीक के बारे में बहुत सी अहम मालूमात दी गई हैं, उनको हम स्टडी करेंगे. फिर मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करेंगे कि मुसलमान साइंसदान कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या कारनामे हैं. फिर इस चैप्टर में है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मुख्तलिफ सेलों की का एक लेवल होता है, सेलों से नीचे वाला भी एक लेवल होता है, तो इन जो सेलों के अंदर तंजीम होती है, जो सेलों के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके लेवल कौन कौन से हैं उन पे हम बात करेंगे. सेवन्थ इसके पोर्शन में, सेकंड उसमें जो सेवन्थ टॉपिक है उसके आगे सब टॉपिक्स हैं. एक है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है. फिर मॉलिक्यूलर लेवल है, यानी मॉलिक्यूलर लेवल है जिसमें मॉलिक्यूल से चीज़ें बनती हैं. फिर ऑर्गेनल्स एंड सेलुलर लेवल है, ऑर्गेनल्स सेलों के हिस्सों को कहते हैं. और फिर सेलुलर लेवल है, यानी सेल से बनकर जानदार जो बनते हैं उनका सेलुलर लेवल. बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं. फिर इसी में हम बात करेंगे टिश्यू लेवल, जब सेल आपस में मिलते हैं तो उनसे टिश्यूज बनते हैं, तो एक टिश्यू लेवल है उसकी बात होगी. फिर टिश्यूज़ के मिलने से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो फिर अगला लेवल ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है. फिर इंडिविजुअल लेवल है, यानी पूरा फर्द है जिसमें सेल हैं, फिर टिश्यूज हैं, फिर ऑर्गन हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम हैं. उन ऑर्गन सिस्टम के मिलने से एक इंडिविजुअल, एक पूरा फर्द बनता है. और फिर है पॉपुलेशन लेवल. पॉपुलेशन लेवल वो लेवल होता है जिसमें एक ही स्पीशीज के जानदार उसके अंदर होते हैं, उनकी गिनती, उनकी तादाद को पॉपुलेशन कहते हैं. जैसे इस तस्वीर में आप देखते हैं तो सारे घोड़े हैं, तो ये जब हम इनको काउंट करेंगे तो ये हॉर्स की पॉपुलेशन होगी, घोड़ों की पॉपुलेशन होगी, यानी किसी एक किस्म की स्पीशीज़ की तादाद को पॉपुलेशन कहते हैं. कोई भी जानदार हो, बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं या इंसान हैं, वो किसी इलाके में जो उन किसी एक स्पीशीज़ की जो तादाद होती है वो उस जानदार की पॉपुलेशन कहलाती है. फिर कम्युनिटी लेवल है, जब मुख्तलिफ जानदार आपस में मिलते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो जानदार किसी एक कम्युनिटी में रह रहे होते हैं, एक इलाके में रह रहे होते हैं, तो उसे कम्युनिटी बनती है. जैसे इस तस्वीर में देखते हैं हम, हॉर्सेस भी हैं, वुल्फ भी हैं और शीप्स भी हैं, तो इनके मिलने से ये इस इलाके का एक कम्युनिटी लेवल है, यानी किसी एक स्पीशीज़ के जो अफराद होते हैं उन्हें पॉपुलेशन कहते हैं. और मुख्तलिफ स्पीशीज़, मुख्तलिफ इकसाम के जानदार आपस में मिलते हैं किसी एक इलाके में, तो वो सारे मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं. फिर बायोस्फीयर लेवल है, जिसमें पूरी ज़मीन उसके अंदर शामिल है, उसमें समुंदर और
खुश्की और पहाड़ और दरिया और सब कुछ उसके अंदर शामिल है, ये जिंदा चीज़ों का, यानी पूरी ज़मीन जो है एक बायोसफियर है। तो ये एक बायोसफियर लेवल होता है। फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे, जिसमें सेल आपस में मिलते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं और उससे फिर जानदार तख्लीक पाते हैं। और दो मल्टी सेलुलर, एक यूनि सेलुलर होते हैं और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, जिसमें ज़्यादा सेलों से जानदार बनते हैं। उनमें एक है मस्टर्ड प्लांट और दूसरा जो है मल्टी सेलुलर जिस ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे वो है फ्राग। तो ये था इस चैप्टर का एन ओवरव्यू। पूरे इसमें नो सब टॉपिक हैं, नो एरियाज हैं, नो ऐसे सेक्शंस हैं जिस पे हम बात करेंगे, नो अहम टॉपिक्स हैं। तो ये थी आज की इस लेसन की का एक ओवरव्यू, यूनिट 1 का ओवरव्यू, कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसमें बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी की डिविजन्स के बारे में, फिर बायोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है, फिर हमने कुरान और साइंस के बारे में इस टॉपिक इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर मुख्तलिफ लेवल्स हैं, सब एटॉमिक लेवल है, फिर एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल है, फिर सेलुलर लेवल है, फिर टिश्यू लेवल है, और फिर टिश्यूज़ के बाद फिर ऑर्गन लेवल है, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है, और फिर ऑर्गेनिज्म है पूरा एक जानदार, और फिर ऑर्गेनिज्म के मिलने से पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन लेवल है, फिर मुख्तलिफ पॉपुलेशंस मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं, तो कम्युनिटी लेवल है, फिर उसके बाद बायोसफियर है, पूरी ज़मीन हमारा एक ये एक पूरी ज़मीन के अंदर जो जिंदा चीज़ें हैं वो एक बायोसफियर बनाती हैं। फिर हमने इसमें मल्टी सेलुलर दो जो हैं, एक प्लांट और एक एनिमल का मुताला करेंगे। बायोलॉजी चैप्टर 1 का ओवरव्यू, ये जो लेसन 1 है, चैप्टर 1 है, यूनिट 1 है, उसका ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी इसका पहला टॉपिक है, फिर डिविजन्स एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है, फिर रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस और उससे नए जो सब्जेक्ट जन्म लेते हैं, फिर कैरियर इन बायोलॉजी कि बायोलॉजी जो है उसको पढ़ने के बाद कौन कौन से कैरियर, कौन कौन से पेशे अपनाए जा सकते हैं, फिर कुरान एंड बायोलॉजी है कि बायोलॉजी में जो कुरान में बायोलॉजी की के बारे में आयात हैं, अल्लाह की निशानियां हैं, उनका हम मुताला करेंगे, फिर मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनकी खिदमात का तذکرہ होगा, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं जिसमें सेलुलर लेवल है, सब एटॉमिक लेवल है, सेलुलर लेवल है, फिर टिश्यू लेवल है, फिर ऑर्गन लेवल है, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है, फिर इंडिविजुअल लेवल है, फिर उसके बाद पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन लेवल है, फिर कम्युनिटी लेवल है, और फिर बायोसफियर है। तो ये मुख्तलिफ लेवल्स इनकी हम बात करेंगे। फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि सेल आपस में मिलते हैं तो उसे इंडिविजुअल बनते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे, और इसमें दो, एक एनिमल और एक प्लांट की बात करेंगे, जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम एक ब्रासिका की बात करेंगे, सरसों के पौधे की, और दूसरा फ्राग रानाटाग्रीना यानी फ्राग की हम बात करेंगे। तो ये था फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू। थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये YouTube 10 चैनल जो है वो तालीम मंजिल है, और इसमें हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट के जो लेसन्स हैं वो अपलोड करते हैं, मुख्तलिफ इसमें इस्लामियात के भी हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के भी हैं, बायोलॉजी भी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के भी हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट एरियाज जो हैं इसमें कवर किए जाते हैं। आप इन लेसन्स को देखिए भी, इनसे फ़ायदा भी उठाइए और इन्हें दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।